डीजीपी ओपी सिंह ने दिए निर्देश, महिला सुरक्षा को लेकर जारी किया निर्देश। सभी जिलों के एसपी को ये निर्देश जारी किए गए। डीजीपी की तरफ से रात में महिलाओं की सुरक्षा पर निर्देश देते हुए पीआरवी के संचालन में कोई गड़बड़ी ना हो, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लापरवाही ना हो, तो रात में महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाए। 112 पीआरवी पर महिला सिपाही हो, तो डीजीपी की तरफ से ये निर्देश तमाम अधिकारियों को, तो पीआरवी के संचालन में कोई गड़बड़ी ना हो, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई लापरवाही महिलाओं की सुरक्षा में ना बरती जाए, रात में महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाए और 112 पीआरवी पर महिला सिपाही मौजूद हो, तो डीजीपी ने ये निर्देश दिए हैं। तो डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देश देते हुए महिला सुरक्षा को लेकर ये निर्देश जारी किए हैं। तो जिस तरह से 33 प्रस्ताव पास हुए उसके चलते अब उस पर अमली जामा पहनाने की कवायदे शुरू हो गई है। रात में महिलाओं की सुरक्षा पर डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देश देते हुए पीआरवी के संचालन में कोई गड़बड़ी ना हो, ये हिदायत पुलिस अधिकारी को दी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई लापरवाही ना हो, उन्हें कन्वीनियंट जो सुविधा है वो अपने ऑफिस से, जो कामकाजी महिला घरों से बाहर निकल रही है उनको कहीं ना कहीं ये सुविधा दी जाएगी। 112 पीआरवी पर महिला सिपाही भी हो, ये तमाम निर्देश डीजीपी ओपी सिंह ने महिला सुरक्षा को लेकर दिए हैं। तो सभी जिलों के एसपी को ये निर्देश जारी किए गए हैं डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से। तो रात में महिलाओं की सुरक्षा पर निर्देश देते हुए कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं को सुरक्षा मिले, पीआरवी के संचालन में कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि यहां पर ये निर्देश दिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, लेकिन वो सुविधा लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसी के चलते, उस लिहाज से भी डीजीपी ओपी सिंह का ये निर्देश कई मायनों में अहम हो जाता है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पीआरवी के संचालन में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो हिदायतें साफ तौर पर एसपी को यहां पर सभी जिलों को दिए गए हैं। तो सभी जिलों के एसपी को निर्देश देते हुए कहा है कि रात में महिलाओं की सुरक्षा पर पूरी तरह से निगरानी बनाए रखें ताकि महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षा मिल सके, पीआरवी के संचालन में कोई गड़बड़ी ना हो, तो साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई लापरवाही ना बरती जाए। तो जिस तरह से केसेस सामने आए उसके चलते अब यूपी सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है और यूपी के कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। महिला सुरक्षा में किस तरह से इजाफा किया जाना चाहिए, किस तरह से उसमें सतर्कता बरतनी है, उन तमाम प्रस्तावों के पास होने के बाद अब उन पर अमली जामा पहनाने की जो कवायदे हैं वो तेज हो गई है। और इसी के तहत डीजीपी ओपी सिंह ने सभी जिलों के एसपी को ये निर्देश दिए हैं कि पीआरवी के संचालन में कोई गड़बड़ी ना हो, वक्त पर जो सुविधा है वो महिलाओं को, बच्चों को और लड़कियों को मिल सके, तो रात में महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाए। 112 पीआरवी पर महिला सिपाही भी मौजूद हो ताकि जो महिलाएं हैं उनको अनकंफर्टेबल ना लगे, असुरक्षा का भाव ना यहां पर हो। तो इसी के चलते ये निर्देश सभी जिलों के एसपी को दिए गए।